मॉडल रदरफोर्ड के बारे में मैं आपके साथ सिंपल सा हूं, लिखते जाइए, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड सिंपल सा यार, कि क्या कहना चाहता है रदरफोर्ड, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड अपने आप में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, मैडम क्यूरी के समक्ष था, बस उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जरूरत थी। और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को एक बेनिफिट मिलता है कि उन्हें रेडियो एक्टिव, जो कि बहुत महंगा होता है, मिल जाता है। दूसरी बात क्या थी कि वो अपने आप में एक बड़ा साइंटिस्ट था, उसे नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, इसलिए बड़ा था क्यों, क्योंकि वो एक बेरिलियम में रेडिएशन गिरा के बोरोन में कन्वर्ट कर चुका था। तो लालच आ गया उसे, उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि यार मैं गोल्ड पे अगर रेडिएशन गिराऊंगा तो क्या होगा, क्या वो प्लेटिनम में चेंज होगा, क्या वो किसी और एलिमेंट में चेंज होगा। तो उसने क्या किया कि एक डिवाइस बनाया इस तरह का, समझना मेरी बात में, कि इस तरह का जिसमें रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जाए, लाइक यूरेनियम, ये उसने यूरेनियम रख दिया, बात समझो, क्या रख दिया उसने, यूरेनियम। अब यूरेनियम में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ऐसा आपको मालूम है, ये अल्फा पार्टिकल निकल गए और सामने गोल्ड की प्लेट रखी हुई है, कौन सी प्लेट रखी हुई है, गोल्ड की, ये गोल्ड की प्लेट आपको देखने को मिल गई, देखिएगा, और लगा थोड़ी सी देर में कि ये गोल्ड की प्लेट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेटिनम में, प्लेटिनम सिल्वर जैसा दिखता है, तो ये सिल्वर जैसी दिखने लगेगी धीरे धीरे, नहीं हो रहा, कलर ही चेंज नहीं हो रहा। उसे गुस्सा आया, क्या करेगा वो, जब गुस्सा आया तो उसने देखा ऐसा आदमी जिसको यहाँ, तो उसने क्या करा कि हो सकता है कि कहीं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो मैंने लिया है वो चाइनीज़ हुआ, खुश हो गया, चाइनीज़ माल अच्छे नहीं होते ना, तो उसने क्या करा कि यहाँ पर एक सेटअप लगाया, इस सेटअप में क्या करा उसने, ZNS का लेप, लेप का मतलब पॉलिश कर दी ऊपर सरफेस पे, है तो ये भी मेटल का, लैड का, तो ये कौन सी पॉलिश कर दी, ZNS की। तो जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराते हैं तो एक स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग से मतलब एक शाइन जनरेट होती है। तो यार ये बात तो समझ में आ गई भाई कि यार ओरिजिनल रेडियम है या यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यानी गलत ही नहीं है। उसने सोचा यार थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, फिर भी नहीं आया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गोल्ड वैसा ही था, उसने और थिन कर दिया, क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा थिन कर दिया, इतना थिन कर दिया ये प्लेट को, सरफेस को, कि इसको वो ले गया 1 एंगस्ट्रम के लेवल पे, किस लेवल पे, सोचा यार जल्दी हो जाए काम, तो किस लेवल पे ले गया, थिकनेस कितनी कर दी, 1 एंगस्ट्रम, यानी बहुत ही छोटा, 1, 2, 3 एंगस्ट्रम। आप सोच सकते हो गोल्ड लेने से यही फायदा था कि बहुत पतला किया जा सकता है, गोल्ड का क्या कहते हैं, गोल्ड इज अ वेरी गुड डक्टाइल मैटर, सही है, लेकिन काम अभी भी नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि अभी भी कलर चेंज नहीं हो रहा था गोल्ड का। फिर अचानक आदमी अगर 10 दिन तक कंटिन्यू देखेगा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा और कुछ ना कुछ दिखेगा। अचानक उसे क्या दिखा कि यार ये स्पार्किंग मैंने इतना पतला कर दिया तो ये यहाँ कैसे आ रही है, अल्फा पार्टिकल कंटिन्यू जाने चाहिए थे, सीधे जाने चाहिए थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो इस पतली सी, बहुत ही यानी थिन प्लेट को क्रॉस करना आसान बात थी, वैसे ही जैसे कोई बंदूक से निकलने के बाद गोली चली है और सामने कागज की दीवार है, तो क्या कागज की दीवार से गोली जब यानी बुलेट हमारी जब टकराएगी तो क्या होगा, आराम से चीरती निकल जाएगी। तो ये अल्फा पार्टिकल इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो बहुत मोटी प्लेट में से निकल जाते हैं, तो इतनी पतली प्लेट में से कैसे रह रहे हैं, कैसे स्ट्राइक होकर इधर आ गए, दिमाग में कचरा आ गया। तो फिर उसने क्या करा, थोड़ा और सेटअप ऐसे बनाया कि यार थोड़ा और ऐसे कर देते, तो उसे स्पार्किंग यहां पर भी दिखाई दी। अब तो हद ही हो गई कि यार इसका मतलब, ऐसा लगा उसे कि यार जैसे बुलेट सामने पेपर वॉल से टकरा के मेरी तरफ ही आ रही है, तो अब कुछ और सोचने लग गया, यानी उसने वो आइडिया तो ड्रॉप कर दिया दिमाग में से,
कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट बाय स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल्स। पूरा हटा दिया भाई, अल्फा पार्टिकल थे छोड़ो भूल जाओ, कुछ और ही चीज़ आई। उसने कहा यानी कि कुछ है खास बात, तो अल्फा पार्टिकल अगर टकराकर वापस आ रहे हैं तो कुछ खास बात है। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है रेडिएशन से, और अल्फा पार्टिकल होते क्या है आप मेरे को बताएं, अल्फा पार्टिकल होते क्या है? आप ये मान के चलिए हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम में दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो अल्फा पार्टिकल क्या बचा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, पक्का। तो इसके पास इतना छोटा पार्टिकल है प्लस टू, बताओ हीलियम प्लस टू में का एटॉमिक वेट कितना होगा? फोर, क्योंकि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो तो वही है, इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये अल्फा पार्टिकल आपके पास आ गया, और ये अल्फा पार्टिकल तभी रिप्लेस होंगे जब अल्फा पार्टिकल हमारे एटम से टकरा रहा हो तो वो न्यूक्लियस से टकरा है, तो वो अगर न्यूक्लियस से टकरा रहा है तो वो इधर उधर जाएंगे, और सेंटर से जस्ट टकरा रहा है तो वो वापस ब्रेक आ जाएंगे। बाकी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? सीधे निकल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड होंगे। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे लिए न्यूक्लियस था, कोई डाउट? यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है ये? तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट आया कि भाई ऐसा तभी हो सकता है जब एटम जो भी है, भले वो सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसके जितने भी प्रोटॉन है जितने भी न्यूट्रॉन है वो फैले हुए नहीं रहे, वो कहाँ रहे? सेंट्रलाइज। क्योंकि अगर फैले हुए हो गए तो वो अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्स नहीं कर सकते, वो रिफ्लेक्स का मतलब 180 डिग्री पे नहीं रोटेट कर सकते, डिफ्लेक्ट, ठीक है, वो जाने देंगे। लेकिन अगर एक साथ मिल गए सारे प्रोटॉन तो वो इतनी पतली वॉल भी आपके लिए क्या हो जाएगी? काम कर जाएगी। तो यानी कि हमारे लिए ये पॉइंट हो गया, उसने एक पॉइंट दिया, ऑल द अल्फा पार्टिक सॉरी ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रोटेट अराउंड न्यूक्लियस। ये उसने कहा, सारे नाराज हो गए, सारे साइंटिस्ट नाराज हो गए। क्यों भाई? क्योंकि अगर सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेंगे तो फिर न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो भाई तुमने ऐसा क्यों बताया कि ऐसा हो सकता ही नहीं है? गुलाम खड़ा हो गया, पहले तो चिल्लाने लग गया, नारे नहीं देंगे क्या कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन में इतना रिपल्शन होता है कि वो साथ रह ही नहीं सकते, मैं तो प्रूफ कर चुका हूँ। लेकिन हो ये रहा था कि रदरफोर्ड का अच्छा फ्रेंड था हमारा जर्मन साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उसने उसी वक्त सपोर्ट कर दिया कि देखिए न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने भी प्रैक्टिकल प्रूफ करा है। बस ये नहीं समझा पा रहा था कि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ क्यों चिपके हुए हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कि एक और एनर्जी होती है जो कहलाती है E=mc², जो कहलाती है मास के लॉस की वजह से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, हम उसको नाम देते हैं। और ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना कुछ मास एक्चुअल मास से कम कर देते हैं जो होना चाहिए था, और वो मास कम होने की वजह से E=mc², वो एक एनर्जी क्रिएट होती है जिससे प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 आपस में एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, और उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी लगभग 1000 times ज़्यादा होती है किससे? कूलाम एनर्जी से। इस कारण ये चिपके रहते हैं। तो उसकी बात चल गई, कोई सपोर्ट में खड़ा होता है ना तो अच्छा लगता है, और अपोज में खड़ा होता है ना तो बहुत बेकार लगता है। वही कुछ इसके साथ हुआ। तो इसके साथ कुछ खास पॉइंट्स होने लग गए। इसने सबसे पहला तो यही कहा जो हमारे पास निकल के आया, हम इस डायग्राम को बना लेते हैं, आप भी बना लो फास्ट, और यहाँ लिख लीजिए ये हमारे को क्यों रखा, ये हमने बॉक्स क्यों रखा, आप ही बताइए। रेडिएशन इस तरफ ना आया यार, पहले तो अपन को बचाएंगे ना। तो ये क्या है, एक तरह से स्टील बॉक्स मान लो, हाई स्टील या स्टील बॉक्स। और ये क्या ले लोगे आप? यूरेनियम। ये आपके पास अल्फा पार्टिकल हो ही गया।
एक साथ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। लेकिन आपको हर जगह दिखाई देंगे। और ZNS का काम होता है, जब भी कोई हाई वेलोसिटी पार्टिकल इससे टकराता है, भले वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो, एक शाइन जनरेट करता है, एक डॉट जनरेट करता है। खत्म। ये ZNS का है। मैक्सिमम तो आपको यहीं दिखाई देंगे। ये आपके पास क्या है? गोल्ड प्लेट। गोल्ड को क्या बोलेंगे? AU, या गोल्ड ही लिख दो आप तो। गोल्ड प्लेट थिन भी लगा दो, पता चल जाए कि बहुत ज्यादा पतली प्लेट है। गोल्ड थिन प्लेट। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट इसने जो बोला हमारे को, लिखते हैं, यानी इसने जो ये बोला, पहला पॉइंट जो अपने अल्फा एक्सपेरिमेंट में कुछ होता है कि उसने क्या फील किया और उसके बाद क्या बोला, पहला था। तो सबसे पहले क्या होता है? फील होता है, फील फैक्टर, कि क्या देख रहा हूं मैं। उसने ये देखा, इन द कॉलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड प्लेट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मूविंग मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस, बट सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट 0 to 180 डिग्री एंगल, यानी किसी भी एंगल पे। इट मींस व्हाट? इट मींस ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड अराउंड न्यूक्लियस। ये बात उसने बोली कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो बिना कोई रिफ्लेक्शन किए सीधे जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है और सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके सेंटर पे सेंट्रलाइज है, और उसे हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसके नाम में जाती है? रदरफोर्ड। तो ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी, कि हाँ ऐसा साफ साफ बोल दिया। सेकंड पॉइंट, ये तो उसने पूरी थ्योरी दे दी कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है और हमारे लिए ये चीज ऐसे। यहां 1 एंगस्ट्रम दी गई थी डेप्थ, ज्यादा मोटा लेने पे क्या दिक्कत आ रही थी? हो सकता है, फिर क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। हो सकता है वो पहले वाली सरफेस के न्यूक्लियस से नहीं टकराया, पीछे कराया, ऊपर कराया, तो परफेक्शन नहीं आ पा रहा था, ठीक है ना। मतलब लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो दूसरा पॉइंट उसने ये बोला, नियरली 1 एंगस्ट्रम
आउट ऑफ 20 के अल्फा पार्टिकल कम बैक, सो वी कैन से द साइज ऑफ न्यूक्लियर, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस। मैंने उसकी बात को समझ लिया कि हाँ भाई न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन यही था भाई छोटी है तो कितनी छोटी है। उसने कहा देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पा रहे, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट करके हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कहीं ना कहीं साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 है, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लगा दो के, ए की पावर 1/3। के का नाम रदरफोर्ड कांस्टेंट डाल दो या कांस्टेंट, तो ये वैल्यू बहुत कम होगी, लगभग 1.3 × 10^-15 के ऑर्डर की है मीटर में। तो अब आप बताइए 10^-15 मीटर को अपन क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो 1.3 फर्मी मीटर सबसे छोटा होता है, बहुत सारी चीजें छोटी होती है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, इस तरह से चलता है। सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा अगर आप जानते हो, ये सब चीजें अलग वाला पार्ट आ गया। वैसे तो डेसीमीटर होता है, कितना होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर कितना होता है, 10^-1, और सेंटीमीटर 10^-2 मीटर, फिर थोड़ा सा बड़ा मीटर, फिर अपन छोटे की तरफ चलते हैं और छोटा 10^-3 मिली, फिर 10^-4 कोई नाम नहीं, 5 कोई नाम नहीं, 6 माइक्रो, -9 नैनो, 10^-10 अंगस्ट्रम, 10^-12 पीको, 10^-15 फर्मी। इससे भी बाद में आता है लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है 10^-। तो एटम की रेडियस किस ऑर्डर में होती है, इस ऑर्डर में अंगस्ट्रम में, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10^-15। तो आपको अगर मैं सिंपल सा बात करूं कि कौन छोटा है, न्यूक्लियस कितना छोटा है, बहुत छोटा है यार, समझ में आ रहा है? तो ये एक अजीब सी बात है कि एटम की रेडियस और इनकी रेडियस में बहुत बहुत अंतर आ रहा है हमारे पास। तो मैं वापिस अपने पॉइंट पे आता हूं, अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 10^-5 जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, दिया हुआ है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, तो क्या जाएगा, आपको क्या लगता है वॉल्यूम में क्या टर्म आती है, आर क्यूब, तो ये पता है कितना जाएगा, 10^-15। और ये रेशियो उल्टा दे दिया जाए, वी टर्म ऊपर रख दिया जाए और न्यूक्लियस को नीचे रख दिया जाए तो 10^+15 हो जाए। तो मुझसे अगला पॉइंट यही पूछा, अगर मैं रदरफोर्ड होता तो मुझसे यही पूछते, आप क्या सोचते हो कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, कितना छोटा है? तो मैंने क्या सोचा यार, बहुत छोटा है, लेकिन डेफिनेशंस बतानी पड़ेगी। तो ऐसे मान लीजिए कि सपोज एटम फुटबॉल का ग्राउंड है, तो टेनिस की बॉल हमारे लिए किसका काम करेगी, न्यूक्लियस का, इतना छोटा है। एक ग्राउंड है बहुत बड़ा जिसकी रेडियस किलोमीटर में, यानी कि 1000 मीटर, पक्का इतना तो रेडियस मान लेते हैं, और इसकी रेडियस किस ऑर्डर में, सेंटीमीटर,
10 पावर, बहुत छोटी सी है, 10 पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर, तो ना, सब ना ना करते हुए भी कितना है, 10 पावर 5 आ गया। तो बस इतना सा है पूरे फुटबॉल ग्राउंड में, समझ में आया। तो ये टेनिस की बॉल से भी छोटी बॉल ही आ गई, अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कौन? एटम। किसके रेस्पेक्ट में? न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल ये हमारे पास आ गया। फिर अगला क्वेश्चन आया, चलिए ठीक है आपने ये बता दिया, आपने ये भी बता दिया, क्या आपको लगता है कि रेडियस के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, कि आपको लगता है कि सभी एटम की, न्यूक्लियस की रेडियस अलग अलग होगी? मैंने कहा हाँ अलग अलग होगी, जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर ज़्यादा है उसका रेडियस भी बड़ा होगा, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? मैंने कहा डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट सेम जाएगी। क्यों? देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पॉइंट, बनाते जाओ 3 4 नंबर जो भी आ रहा है आप बनाते जाइए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है, AAMU, समझ में आ रहा है? ये एटॉमिक मास है, और यहां क्या होता है रेडी, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ AAMU। AMU को आप किलोग्राम में चेंज करो, क्या रखोगे, AMU की वैल्यू क्या है, 1.67 × 10⁻¹, जल्दी से बोलो। बिल्कुल सही कहा, 27 किलोग्राम। 4/3 π की वैल्यू 3.14, आर आर की वैल्यू के, 1.3 × 10⁻¹⁵, ए की पावर 1/3 की पावर 3, 1/3। ए यहां पर क्या है, ए यहां पर एटॉमिक वेट है या मास नंबर है, मास नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ए के बराबर ही है, उसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट नहीं होती, बस यही है। तो 3 3, क्या ये मैं क्रॉस कर दूं बड़े प्यार से, क्योंकि पावर 3 है, ये क्रॉस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट 1.67 × 10⁻²⁷, 4/3 3.14 × 1.3 की पावर 3 × 10⁻¹⁵, 45। 3 है ना, अब बताओ ये किस ऑर्डर का जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सही है? तो कितना आएगा आपके हिसाब से, 15 तो वैसे बच गए, 18, मेरे हिसाब से 10⁻¹⁸ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का डेंसिटी है, इतनी हाई डेंसिटी है। तो अगले ने कहा कितना डेंस है, मैंने कहा यार ये सोचो अर्थ का मास कितना होगा, 10 पावर कितना होता है केजी के अंदर अगर बात करें, तो लगभग 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 इतना ही होता है, 10⁻¹⁷ सॉरी केजी। तो ये मान के चलो कि पूरी पृथ्वी का मास अगर आप इतने से बॉक्स में डाल दो पूरी पृथ्वी का, तो भी इतनी डेंसिटी नहीं बन पा रही है जितनी उस न्यूक्लियस की डेंसिटी है, समझ रहे, इतना डेंस होता है। यानी पूरी पृथ्वी का मास, यानी अर्थ का मास आपने 1 मीटर के ब्लॉक में डाल दिया तो भी इतनी डेंसिटी नहीं बन पा रही है, तो सोचो एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी। तो सोचने में मजबूर किया उसने कि न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस की साइज, रेडियस कितने छोटे हैं और कोई कोई कितना बड़ा है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बताई उसने। लेकिन एक रिजल्ट और सामने आया कि सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट क्या होती है, सेम। किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड। कोई और आके कुछ और बोलता है तो बात अलग है। रदरफोर्ड ने तो ये कहा, जो आप नोट डालेंगे यहां पर की पॉइंट के फॉर्मेट में, खुद से लिखेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट या डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर अप्रॉक्सीमेट सेम, लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर अप्रॉक्सीमेट सेम, बस। तो ये एक और पॉइंट है हमारा। रदरफोर्ड से कहा
कि ठीक है, आपकी बात सही है, आपने बहुत अच्छा बताया और काफ़ी कमेंट कर रहे हो, और ऐसी बातों को कमेंट कर रहे हो जिसको हम गलत भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे साक्ष्य नहीं है कि इतना छोटा होगा, इतनी डेंसिटी होगी, कौन मेजर करेगा ऐसी चीज़ें. ठीक है, चल रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हो. तो एक ने ये कह दिया कि आप ये बता सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इस पर भी कोई रिलेशन बता सकते हैं? उसने कहा हाँ, पूछो, आप बताना ही तो है मेरे को, आपको तो मानना पड़ेगा मेरी बातें. अब कौन पूछेगा उसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? कोई उससे बहस नहीं कर सकते. ये वो समय था, तब भी नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते. उसने कहा कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एट थीटा एंगल इज प्रोपोर्शनल रहेगा साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी पक्का. और साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. तो कुल मिला के ये हमारे पास, उसने कहा, और तेजी से कम हो रहे हैं. थीटा बढ़ने के साथ ही अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, तेजी से कम हो रहे हैं. बहुत इजी है. या थीटा की वैल्यू एक तरफ से देख, थीटा इस तरफ रख दो, डिफ्लेक्शन एंगल और यहां क्या रखोगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. बहुत तेजी से, यानी सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल कहाँ होंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 है. छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? अगला पॉइंट, ये हमारे कौन से नंबर का पॉइंट था, फिफ्थ. मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ गई जो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को क्रॉस कर पाएगा? मैंने कहा नहीं, लेकिन एटम को क्रॉस कर जाएगा, एटम के अंदर घुस जाएगा. हाँ, तो कैसे समझाना है, एक हेडिंग और डलेगी, इस हेडिंग का नाम रहेगा, हम हेडिंग का नाम भी लिखेंगे. लिख लीजिए पहले, तो हेडिंग डलेगी हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच. इसका मतलब क्या होता है, हम लिख हेडिंग के बाद ही समझेंगे. हेडिंग रहेगी हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच, देखिए बात समझिए, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये आपका एटम है, आराम से एटम के अंदर तो बेहिचक घुसेगा जैसे कोई उसी का ससुराल हो, ठीक है. लेकिन न्यूक्लियस के ये बहुत अंदर नहीं घुस पाएगा, बस न्यूक्लियस के ये पास आके और फिर रिटर्न बैक हो जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, डी. डी को क्या बोलेंगे हम, क्लोजेस्ट अप्रोच. जितनी ज्यादा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में होगी, होगी अच्छी बात है, उतना ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा जा पाएगा, लेकिन न्यूक्लियस को कभी टच नहीं कर पाएगा, ये बात तो आपकी तय है. कितनी ही एनर्जी दे दो आप, समझ में आ रही है बात, और यहीं से रिपेल हो जाएगा. तो क्या रिलेशन बनेगा इनकी एनर्जी में और क्लोजेस्ट अप्रोच में? आप इतना तो जानते हैं कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि डी की वैल्यू ही निकालो, आप क्लोजेस्ट अप्रोच ही निकालो, तो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशंस. क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन क्या हुई, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे.
इट इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई। अगला हेडिंग रहेगा हमारा कैलकुलेशंस ऑफ डी, कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच? भाई शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी, यानी एक एनर्जी कंजर्व रहेगी, बस उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी। पहले वो काइनेटिक एनर्जी में था और बाद में किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं चाहे तो। कैसे बढ़ाएंगे? एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी, एनर्जी इज द कंजर्वेशन क्वांटिटी, और टोटल एनर्जी जो शुरुआत में है और टोटल एनर्जी जो फाइनल कंडीशन में बराबर होगी, और फाइनल कंडीशन में टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। इसको बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक बॉल को आपने काइनेटिक एनर्जी देके उछाल दिया, बताओ कितनी हाइट तक जाएगी? तो शुरुआत में जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी और हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप बराबर करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और इस तरह से एच निकाल के बराबर आप वर्ड निकाल देते हैं कि भाई इतनी हाइट पे जाकर ये काम चलेगा। बोलो हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूँ? तो इस तरह से हाइट निकालते हैं। मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ, यानी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, और ये t इक्वल टू जीरो पे, और पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा हूँ मैं t इक्वल टू फाइनल पे जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रखोगे आप? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर या आर स्क्वायर, आर एनर्जी के केस में आर आता है और फोर्स के केस में आर स्क्वायर आता है। तो आपको क्या निकालना है? आर ही तो निकालना है, इस आर को ही आप क्या बोलते हो? डी। तो आप डी भी रख सकते हो, यहां पर डायरेक्ट ही डी रख लीजिए। तो डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? के क्यू वन क्यू टू हाफ एम वी स्क्वायर, टू ऊपर चला जाएगा एम वी स्क्वायर, ये हो गया। अगर आपको के की वैल्यू और सबकी वैल्यू रखने का मौका मिले, न्यूमेरिकल टाइप हो, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछेंगे कोई भी न्यूमेरिकल, सिर्फ फार्मूला ही पूछेंगे आपसे, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो आप बकायदा वैल्यू रखो। टू के की वैल्यू क्या होती है? नाइन इंटू टेन पावर नाइन क्यू वन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है? दो इलेक्ट्रॉन का है, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? उसमें कितने प्रोटोन होते हैं? जेड, यानी जेड ई एम। मास कैसे निकालोगे? ए इसको एम यू में होगा, इसको ग्राम में जरूर चेंज करना, ग्राम में चेंज। अल्फा पार्टिकल के लिए कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का मास आएगा, ये अल्फा का आएगा, ये एक अल्फा का हो जाएगा और एक न्यूक्लियस का चार्ज होगा, तो मैंने लिख दिया। कितना मास होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 एम यू, यानी 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27, ये अल्फा पार्टिकल का मास, और वेलोसिटी की वैल्यू देगा वो जिसे मीटर में रखनी है। हर चीज आपको एमकेएस में रखनी है ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, आधी एमकेएस आधी सीजीएस मत करना, या तो हर वैल्यू एमकेएस में रखो या हर वैल्यू सीजीएस में रखो, खत्म कर लोगे। अगर आपने रख लिया तो आपको डी आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रखना है, जेड की वैल्यू देगा वो, गोल्ड है सिल्वर है जो भी है। E की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कुलाम, और तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो देगा अपन वैसे रखेंगे। अगर उसने डायरेक्ट ही एनर्जी दे दी, तो डायरेक्ट एनर्जी दे रखी है, तो भी D निकाला जा सकता है। एक और D का फॉर्मूला होता है K Q1
क्यू वन क्यू टू अपॉन काइनेटिक एनर्जी, कौन मना करेगा? ठीक है, सीधा काइनेटिक एनर्जी, और उसने काइनेटिक एनर्जी दे दी, वेलोसिटी दी है तो ऊपर वाला और काइनेटिक एनर्जी दी है तो नीचे वाला। और काइनेटिक एनर्जी वो जनरली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब हो गया 10^6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19 जूल। तो ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतने जूल होता है, क्योंकि आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आपके पास डी किस में आएगा, मीटर में कन्वर्जन आना चाहिए। ये हिंट है आपके लिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10^6, और फिर उसे जूल में चेंज कर लो। ये एम का मतलब मिली नहीं है, मेगा है, और मेगा का एम जो आता है वो बड़ा होता है, मिली का जो एम आता है वो छोटा होता है, स्मॉल एम, तो अंतर है। समझ में आ गई बात, लिखें इसको मेन पॉइंट पर। और पॉइंट क्या है हमारा, रदरफोर्ड को ही हम आगे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड के अगेंस्ट में भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे और ड्रॉबैक हो गए, यानी ड्रॉबैक उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी लेकिन कोई बहुत ऑथेंटिकली उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा कुल मिला के। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, मॉडल, तो मुझे जो पहला ड्रॉबैक लगा और वो ये था कि मैथमेटिकली प्रूव करने में वो अनकेपेबल था। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। आप कैसे बताओगे कि भाई बहुत सारी चीजें, प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कैसे रहेंगे, रिपल्शन होगा, बिकॉज प्रोटॉन प्रोटॉन्स प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज, रिपल्शन इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट, वो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है जो समझाया वो इसने नहीं समझाया, वो आइंस्टीन ने समझाया। ये तो घबरा गया ना, बाद में समझाया, और उसने तो समझाया नहीं ना, हम तो उसके ड्रॉबैक कर रहे हैं, तो ये नहीं समझा पा रहा था कि क्या है। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड बाय दिस मॉडल। देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा थोड़ी थोड़ी, और वो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू होती होती निकलती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू ऐसे घूमता जाएगा स्पेरिकल पाथ में, और फाइनली किस में आ जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, तो वापस न्यूक्लियस एक हो गया। तो यहां एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो स्पेरिकल पाथ में जाते जाते अंत में जाके कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो समझा ही नहीं पाया वो कि वाई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रोटेटिंग सिस्टम इज स्टेबल। तो यहां मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट था कि एनर्जी लिबरेट होने के बाद वो फाइनली किसमें जंप हो जाएगा, दस। तो यहां आप बहुत आसान से बोल सकते हो
भाई मैं अगर लिखना चाहो तो अपनी लाइन में लिख सकते हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। बाय मैक्सवेल थ्योरी व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस इट लिबरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन जंप्स इन न्यूक्लियस इन मूविंग स्पेरिकल पाथ। ठीक है, तो ये हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया। हम नहीं समझा पा रहे थे और हमने उसे नोबेल प्राइज भी नहीं दिया रदरफोर्ड को। ठीक है, उसने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड को न्यूक्लियस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियस, जो उसने न्यूक्लियस चेंज किया था उसके लिए तो हमने नोबेल प्राइज ऑलरेडी दे रखा था। और एक साइंटिस्ट को दो दो देना अच्छी बात है भी नहीं, और भी हैं लाइन में।